ग्लोबल वार्मिंग हम सबके सामने आज की डेट में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है और ग्लोबल वार्मिंग का 60% कॉज केवल और केवल मीट ईटिंग है। अगर 2050 तक ही ग्लोबल वार्मिंग इसी रेट से बढ़ती रही तो 12 to 14 inches आपका सी वाटर लेवल बढ़ जाएगा क्योंकि ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे। 6 to 7 inches भी अगर सी वाटर लेवल बढ़ गया तो 2 लाख ऐसे गांव हैं इंडिया बस में जो डूब जाएंगे और पता नहीं कितने ज्यादा लोग मरने वाले हैं। और ये सब होने से आप बचा सकते हो केवल और केवल नॉनवेज खाना छोड़। आपने वो गाड़ियां देखी होंगी कि पहले मुर्गों को भर के कसाई खाने लेके जाएंगे, फिर उनका मीट कहीं और ट्रांसपोर्ट होगा। ये छोटी डिस्टेंस में नहीं होता, ये एक देश से दूसरे देश तक ट्रांसपोर्ट होता है मीट। इतना ज्यादा अननेसेसरी जो ये ट्रांसपोर्टेशन होता है, इससे बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। प्लस उसको एयर कंडीशन एनवायरमेंट में लेके जाना पड़ता है तो एसी चलता है, उससे भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। और इन्हीं जानवरों से हमें मीट ज्यादा मिले, इसके लिए उन्हें ग्रेन्स खिलाए जाते हैं, फूड ग्रेन्स जो हमारे लिए होते हैं। उनका ओरिजिनल खाना घास है, वो नहीं खिलाया जाता उनको। डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि अमेरिका में 70% ऑफ टोटल फार्म प्रोड्यूस और गरीब देश जैसे कि इंडिया में 40% ऑफ टोटल फार्म प्रोड्यूस इन्हीं जानवरों को खिलाया जाता है। और वो अगर हम डायरेक्टली खा लें तो ग्लोबल हंगर ना खत्म हो जाए। यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग हर दिन 40,000 लोग मरते हैं भूख से। 1/3 ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो भुखमरी की शिकार है। यूनाइटेड नेशंस की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर 10% लोग भी जो नॉन वेजिटेरियन है वो वेजिटेरियन बन जाते हैं तो कोई भी बच्चा इस दुनिया में भूख से नहीं मरेगा। मीट इंडस्ट्रीज आर वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर डिफॉरेस्टेशन। सबसे ज्यादा पेड़ यही लोग काट रहे हैं। एक छोटे से एरिया में नहीं होती है इंडस्ट्रीज, ये सैकड़ों वर्ग किलोमीटर में फैली रहती है, रेंच बनते हैं इनके, पता नहीं कितने पेड़ काटेंगे उसके लिए। अगर दुनिया में कोई इंडस्ट्री सबसे ज्यादा पानी वेस्ट करती है ना तो यही मीट इंडस्ट्री है। 1 kg मीट को प्रोड्यूस करने में 70,000 liter पानी लगता है और वहीं अगर 1 kg हमें राइस प्रोड्यूस करना हो तो उसके लिए मैक्स टू मैक्स 3,500-3,000 liter पानी लगता है। 1 kg अगर मिलेट निकालनी हो तो उसके लिए 500 liter पानी लगता है। 1 kg आपको व्हीट निकालना हो उसके लिए 1,000-1,500 liter पानी लगता है। और अगर 1 kg मक्की या मेज निकालनी है तो उसके लिए अराउंड 750 liter पानी लगता है बस। और ये जो मैं फिगर्स बता रहा हूँ ये मैंने घर पे नहीं बनाए हैं, ये यूनाइटेड नेशंस की FAO ने बनाए हैं। इस दुनिया में करोड़ों लोग को पीने का ठीक ठीक पानी नहीं है। इंडिया में 20 करोड़ परिवार हैं, उनमें से 14 करोड़ के पास पीने का शुद्ध पानी नहीं। हर साल 5,600 करोड़ जानवर मारे जाते हैं। उनको पता है कैसे मारते हैं? उनको पहले ले आएंगे, उनको भूखा रखेंगे काफी टाइम तक, फिर उनके ऊपर स्टीम डाली जाएगी 100 degrees Celsius पे ताकि उनकी स्किन जो स्वेल हो जाए, और जिंदा रहते रहते उनकी स्किन निकाली जाती है। उनकी गर्दन के पास एक कट लगाया जाता है, फिर ब्लड बाहर आ जाता है, फिर उनके एक एक ऑर्गन्स को निकाला जाता है और वो जिंदा रहते हैं, तड़पते हैं। इतना दर्द होता है कि आप अगर वीडियो देख लो यूट्यूब पर जाके तो आप आज मीट खाना छोड़ दो। कुछ झूठे सो कॉल्ड डॉक्टर्स का कहना है कि प्लांट्स को भी तो दर्द होता है, उनको क्यों खाते हो? प्लांट्स के पास भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही नहीं होता, उनके पास नॉसिसेप्टर्स ही नहीं होते। गूगल सर्च कर लो नॉसिसेप्टर्स इन प्लांट्स, पता चल जाएगा उनको दर्द हो ही नहीं सकता, वो पेन फील कर ही नहीं सकता। जानवरों को कितना दर्द होता है इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2 professors से, एक का नाम है मदन मोहन और एक उनके असिस्टेंट, इन दोनों ने 20 साल फिजिक्स की रिसर्च की थी और ये पता कराया कि ये जो शॉक वेव्स निकलती है जब कोई तड़पता है, मतलब इतनी क्रुएल्टी से उस जानवर को मारा जाता है। इन्होंने थीसिस बनाई और इंडियन गवर्नमेंट ने इसको रिकॉग्नाइज किया कि जितने ज्यादा जानवर मरेंगे उतनी ही ज्यादा नेचुरल कैलेमिटीज होने वाली है अर्थ पे। गधों का मानना है कि नॉन वेजिटेरियन फूड बहुत हाई क्वालिटी का होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक नॉन वेजिटेरियन आदमी को 23 times चांसेस होते हैं ज्यादा कैंसर होने के और 40 times ज्यादा चांसेस होते हैं डायबिटीज होने के। आयुर्वेद ने तो कब का बता रखा है कि एकदम थर्ड क्वालिटी का फूड है, इसको तो बहुत गिरी हालत में भी नहीं खाना चाहिए। लेकिन ये फैक्ट्स आपको कोई बताएगा थोड़ी, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा लगा रही है इंडस्ट्री के आप तक ना पहुंचे। कुछ लोग ये को तर्क देते हैं कि बहुत ज्यादा मुर्गे हो जाएंगे, बहुत ज्यादा बकरे हो जाएंगे, आपके घर में घुस जाएंगे। अबे पागल, यही एक तरीका है कि उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करने का कि उनको मार के खा जाओ। उनको जब पकड़ के तुम काट सकते हो, इतनी लंबी प्रोसेस कर सकते हो, एक इंजेक्शन नहीं लगा सकते इनफर्टिलिटी का, तो वैसे ही उनकी पॉपुलेशन बंद हो जाएगी। 75% को लेके और लगा दो, बस एक बार में पॉपुलेशन कंट्रोल हो गई। प्रोटीन तो जरूरी है, प्रोटीन की बात कर लेते हैं। बॉडी बिल्डर्स बहुत मुंचा लाते हैं प्रोटीन। अभी फैक्ट्स देख लेते हैं। 100 ग्राम मूंगफली 26 ग्राम प्रोटीन, 100 ग्राम चिकन 27 ग्राम प्रोटीन, 100 ग्राम राजमा 24 ग्राम प्रोटीन, 100 ग्राम आपका मटन उसमें 25 ग्राम प्रोटीन, 100 ग्राम आपके उबले हुए अंडे 13 ग्राम प्रोटीन, 100 ग्राम चने की दाल 22 ग्राम प्रोटीन। और अब प्राइस की बात कर लेते हैं। अगर आपको 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए चने की दाल से तो 45 पैसे लगेंगे, 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए राजमा से 40 पैसे लगेंगे, 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए आपको मूंगफली से तो 30 पैसे
पैसे लगेंगे। एक ही ग्राम प्रोटीन आप मटन से लेते हो 3 रुपए लगते हैं, 1 ग्राम प्रोटीन अगर आप चिकन से लेते हो तो 1 रुपया लगता है, और 1 ग्राम प्रोटीन अगर आप उबले हुए अंडे से लेते हो तो 1.5 रुपए लगते हैं। अगर आप राजमा, मूंगफली, चने की दाल से अगर आप प्रोटीन लेते हो, इन सब पे स्विच मारते हो, तो पैसा हमारे किसानों के पास जाएगा, जो इतने लाखों किसान सुसाइड कर रहे हैं वो कम हो जाएंगे, जिनका डेटा तक नहीं दे पा रही आज की डेट में सरकार, इतने किसान मर रहे हैं। अब तुम पूछोगे यार हमारे रिलीजन जैसे कि इस्लाम या क्रिश्चियनिटी में इसको अलाउ क्यों किया गया है, तो यार वो रिलीजन जो है वो फॉरेन है, वहां पर इतना अनाज होता नहीं था कि सिर्फ अनाज पे वो लोग जी लें, तो उनकी मजबूरी थी कि नॉन वेजिटेरियन फूड खाना, तो वहां के लिए वो ठीक था, उस टाइम पीरियड के लिए ठीक था। अब तो ट्रांसपोर्टेशन इतना आगे बढ़ चुका है कि हम यहाँ से अनाज वहां भेज सकते हो, पूरी दुनिया अनाज पे जी सकती है आज की डेट में। किसी भी रिलीजन में मैंडेटरी नहीं है नॉनवेज खाना, तो आप इजीली छोड़ सकते हो, रिलीजन का हवाला मत देना। कुछ लोग हिंदुइज्म को बदनाम करते हैं कि इसमें लिखा है मीट खाओ, हिंदुइज्म में भी तो लिखा है, हिंदुइज्म में नहीं लिखा भाई, मनुस्मृति के चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 10 में लिखा हुआ है कि कोई भी मीट बिना हिंसा के प्राप्त नहीं होता, इसलिए हमें मीट नहीं खाना चाहिए, साफ लिखा। और आपको मालूम ना हो तो मैं बता दूं कि हिंदुइज्म के जो ग्रंथ है उनमें बहुत ज्यादा मिलावट हो चुकी है, तो आप हर किसी चीज पे ऐसे ही यकीन मत कर लीजिए, जहां भी कॉन्ट्राडिक्शन देखे वहां क्वेश्चन जरूर रेज कीजिए।